बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी KFC स्टाइल पॉपकॉर्न चिकन की। तो आए हम देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। एक चिकन ब्रेस्ट ली है और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। विनीगर और चिली सॉस जाएगी इसमें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 कप मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले चिकन में तमाम स्पाइसेस को ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 कप मिल्क ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून विनीगर ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमने मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको कवर करके हमने फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देना है। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद चिकन मैरिनेट हो चुकी है। अब एक अंडा लिया है, इसे फेंट के हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए हमें 1 कप चाहिए मैदा, इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जाएगा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर। इसे हम मैदे में स्पाइसेस को ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाए। अब हम इसमें चिकन को कोट करेंगे। सबसे पहले चिकन को हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कोट हो जाए मैदे का। इसको कोट करने का जो तरीका है वो हाथ से है। हाथ से आप इसको अच्छे से दुबा के प्रेस कर करके इस तरह से मसल के इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करनी है। और इसी तरह से अपने तमाम चिकन के क्यूब्स को हम एक बार मैदे का कोट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा मिक्सचर बच गया था, जिसके अंदर हमने ये मैरिनेट किए थे, इसमें फ्रीज़र का ठंडा पानी ऐड कर देंगे और एक पॉपकॉर्न को इसमें ऐड करेंगे। पानी में तकरीबन 5 सेकंड के लिए इसे ठंडे या पानी में डालना है और उसके बाद इसे निकाल के दोबारा से कॉर्नफ्लोर और मैदे वाले मिक्सचर में हम डालेंगे और अच्छी तरह से दोबारा कोट करेंगे। हाथों से अपने प्रेस करके मसल मसल के इस तरह से इसके ऊपर क्रम्स बन जाएंगे, जैसे कि पॉपकॉर्न के ऊपर क्रम्स होते हैं। और हमारा चिकन पॉपकॉर्न की जो शेप है वो आ जाएगी जब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने तमाम पॉपकॉर्न इसी तरह रेडी कर लिए हैं। ऑयल गरम करेंगे। अच्छी तरह से गरम करने के बाद अपने तमाम पॉपकॉर्न को हम इसमें बारी बारी फ्राई करने के लिए ऐड कर लेंगे। मीडियम फ्लेम रखना है और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। पॉपकॉर्न ऐड करने के तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आप चम्मच से इन्हें एक दफ़ा हिला दें। इसको हमने डीप फ्राई करना है। 8 से 10 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से अंदर से गल जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट से रेडी होते हैं। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इसे फ्राई किया है और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं। बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े के हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। बच्चे और बड़े दोनों ही इस रेसिपी को बहुत पसंद करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।